आप लोगों को तो पता है कि मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी का आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ लगातार, मतलब रेगुलर बेस पे देता हूँ। कभी कभी स्किप हो जाती है, कुछ रीज़न है उसके पीछे। मैं अपने जब आपसे डिस्कस करूँगा वन टू वन तब बता दूँगा मैं, मतलब लाइव अगर करूँगा तब आपको बताऊँगा डिटेल में कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इतना क्यों आजकल डिले करने लगा हूँ मैं। तो मैं बात करें इलेक्ट्रिक स्कूटर की, जो मैं उनको कुछ समय पहले अपडेट दी थी आईओमी की जीत के बारे में, जितना जीत टैक्स जो आपको 115 किलोमीटर के आसपास की रेंज देता है। तो एक सब्सक्राइबर है, उनका भी पर इंस्टाग्राम में कमेंट आया था कि इसके बारे में डिटेल में बता दूँ। तो इस वीडियो में आपको जितेंद्र आयुमी के जीत एक्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या मिलता है, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, पिक्चर, रेंज, बैटरी, सब बताऊंगा, परफॉर्मेंस वगैरह सब बात कर लेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लोग जानना है कि जीत एक्स के अंदर क्या मिलता है, अगर आप लोग नहीं प्लानिंग करते तो भाई आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको जीत एक्स लेना है चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप लोग हिसाब से उस कंक्लूजन में पहुंच जाओगे। उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो या मेरे को इंस्टाग्राम डीएम में पूछ सकते हो, मैं दोनों जगह आपका कर दूँगा सॉल्यूशन। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भैया। वीडियो स्टार्ट करने पहले आप सभी को राम राम, कैसे हैं आप लोग, आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे आमदन अच्छा होना, और मेरे को मोटिवेशन आपको डेली बेसिस मोटिवेशन देनी थी, ठीक है, और थोड़ा भी 95 से थोड़ा निकल सके हम। अभी उतना नंबर नहीं है कि 95 निकल कर पूरी तरह ये कर सकें, क्योंकि सही है ना, इसीलिए। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वही बिना किसी डेडिकेशन, जैसे गवर्नमेंट काम करती है हमारी कोई डेडिकेशन नहीं है। वैसे इसके दो वेरियंट लॉन्च किए कंपनी ने, जीटेक्स और जीटेक्स 180। और कंपनी के अकॉर्डिंग, मतलब कंपनी ये कह रही है कि ये जो स्कूटर है पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और RTO रजिस्टर्ड है और ARAI सर्टिफाइड हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और कंपनी का ये दावा है कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर्स की है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंपटीशन क्या क्या होंगे, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो कंपटीशन है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो इसका जो कंपटीशन है इसी सेगमेंट के अंदर होगा, जो कि ओला एसन प्रो से, बजाज की चेतक से, टीवीएस आई क्यूब से, ओकिनावा OK90 से, और भी ऐसे स्कूटर से जो इस सेगमेंट के अंदर आते हैं और सेम रेंज और सेम स्पीड और फीचर प्रोवाइड कराते हैं। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ कि कितने कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, तो जो नया जीटेक्स आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये 4 मैट कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, जो कि स्कारलेट रेड, इंक ब्लू, पॉश वाइट और स्पेस ग्रे। अगर आप लोगों की बुकिंग करानी है और आप लोग सोच रहे हो कि भैया सस्ता आ गया तो एक बार ले लेते हैं या बुक करा लेते हैं, तो जीटेक्स सीरीज आईओमी डीलरशिप पे 1 लाख रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये में वेरियंट के हिसाब से अवेलेबल है। इसे 1 सितंबर से आप बुक करा सकते हो, मतलब अगले महीने से। स्टैंडर्ड जीटेक्स की जो डिलीवरी है, जो कंपनी कह रही है ये डिलीवरी स्टार्ट कर देगी 1 सितंबर से, मतलब आप लोग जैसे बुक कराओगे आपको डिलीवरी मिल जाएगी, अगर कंपनी के वेटिंग पीरियड नहीं है, जैसे कि ओकिनावा का 3 महीने की वेटिंग पीरियड है। जबकि जीटेक्स 180 की जो डिलीवरी है वो सितंबर के एंड में स्टार्ट करेगी कंपनी। इसके अलावा कंपनी ने अपने नए जीटेक्स सीरीज के इलेक्ट्रिक स्कूटर 10 सितंबर से पहले जो इनको बुक कराएंगे या खरीदेंगे उनके लिए 3,000 रुपये की एसेसरीज फ्री देने का वादा किया, और फ्री देगी भी, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं डिटेल प्राइस की बात करूँ दोनों मॉडल की, तो जीटेक्स की जो प्राइस है इंडिया के अंदर वो है 99,999 रुपये, 1 रुपये कंपनी ने डिस्काउंट दी है आपको, जो कि अश्योरिंग प्राइस। जबकि जो इसका प्रीमियम मॉडल है जीटेक्स 180, इसकी प्राइस है 1,40,000 रुपये, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 लाख से 1,40,000 के बीच में मिलेगा ये आपको। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईवो में जीटेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर 4 मैट कलर ऑप्शन अवेलेबल है, और कंपनी इसकी बैटरी पर 3 साल की वारंटी दे रही है, और इन सभी स्कूटर को आप लोग इसकी डीलरशिप या ऑनलाइन जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं खासियतों की बात करूँ इस स्कूटर की, तो जीटेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब ये ARAI से अप्रूव्ड है 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड चलने के लिए। आईओमी जीटेक्स जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसको आप लोग इको मोड के अंदर 100 किलोमीटर तक चला सकते हो आराम से, मतलब इसकी जो रेंज है इको मोड के अंदर वो 100 किलोमीटर तक की है, जबकि राइडर मोड के अंदर ये रेंज 90 किलोमीटर हो जाती है। वहीं जो इसका प्रीमियम मॉडल है जीटेक्स 180, इसकी जो रेंज है इको मोड के अंदर वो 200 किलोमीटर तक की है, वही स्पोर्ट मोड के अंदर इसकी जो रेंज है वो 180 तक हो जाती है। आईओमी एनर्जी ने जीतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर एसेसरीज के तौर पर डुअल डिटैचेबल बैटरी सेटअप दिया है, और दूसरे लो स्पीड वेरियंट के अंदर भी डुअल बैटरी सेटअप का अपग्रेड किया गया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्विचिंग मोड में आसानी के लिए इजी शिफ्ट फीचर भी दिया गया आपको, और इसके अंदर बेहतर सेफ्टी के लिए कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ रिवर्स गियर और डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको टचलेस फुट टच मिलता है, जिसे आप लोग बिना झुके हुए हाथों को यूज़ किए हुए अंदर बाहर कर सकते हो, और इसके अंदर जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है इसके अंदर सामान रखने की स्टोरेज स्पेस। अगर मैं फीचर की बात करूँ इस स्कूटर की,
तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाते समय आप लोग स्विचिंग मोड में आसानी से इजी शिफ्ट जैसे कैसा भी फीचर यूज कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के मन में भी डाउट था कि इसके अंदर क्या मिलते हैं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं, तो भैया इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि क्या क्या है। तो अगर आप लोग लेने प्लान करते हो तो ले सकते हो, और अगर लेते हो कंसिडर करते हो तो भैया मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म में, मेरे को बड़ी खुशी होगी। बाकी अगर आपको मैंने कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को ले, गाड़ी को ले, इलेक्ट्रिक स्कूटर को ले, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम डी पूछ सकते हो, मैं अपनी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग चाहते हो उस क्वेरी भी डिटेल वीडियो बना दो तो मेरे को बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के अपनी डिटेल वीडियो लेके जाऊंगा, ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के वीडियो फॉर्मेट कर दूँ, ताकि आप लोग जब मन कर दे सको और चाहते हो शेयर कैसे। बाकी इस वजह से वीडियो चले वीडियो लगे तो आपको पता है करना, लाइक कम सब्सक्राइब। तो बाय, टेक केयर।